वेलकम टू माय चैनल डियर फ्रेंड। इस वीडियो लेक्चर में मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, इसको मैं प्रूफ करूंगा। तो ये शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा दोस्तों, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इस इक्वेशन से प्रूफ करेंगे, लेकिन कंप्यूटिंग स्क्वायर का जो मेथड हमने पढ़ा है उसके थ्रू हम जो है उसको प्रूफ करेंगे। सही है। कंप्यूटिंग स्क्वायर में पहला स्टेप ये है कि यहाँ पर ए की जगह या कंप्लीट स्क्वायर होना चाहिए या वन होना चाहिए। तो यहाँ पर वन लाने के लिए मैं इस सारे इक्वेशन को ए से डिवाइड करूँगा। सही है दोस्तों। तो इसको भी मैं ऐसे डिवाइड करूंगा, इसको भी और इसको भी मैं ऐसे डिवाइड करूंगा। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू ज़ीरो डिवाइडेड बाई ए से ज़ीरो। दूसरे स्टेप में हम कांस्टेंट टर्म को इक्वेशन के दूसरे साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। अच्छा दोस्तों, अब हमने यहाँ पर एक्स यहाँ पर है। सही है दोस्तों। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर प्लस वाला फार्मूला बनाना है, एक ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। सही है दोस्तों, इस फार्मूले को मैंने यहाँ पर बनाना है। तो ए की जगह एक्स स्क्वायर आ गया। सही है। प्लस टू अपनी जगह पर, ए की जगह हमने एक्स लिया है। सही है। अच्छा, बी की वैल्यू हम इस तरह की वैल्यू लेंगे कि इसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो उससे बी डिवाइडेड बाय ए इंटू एक्स आ जाए। सही है। तो एक्स तो मेरे पास है, इस टू को मैंने ख़त्म करना है और यहाँ पर मैंने बी डिवाइडेड बाय ए को लाना है। तो बी डिवाइडेड बाय ए मैं लिखूँगा और टू को ख़त्म करने के लिए मैं डिवीजन में यहाँ पर टू लिखूँगा। सही है दोस्तों। तो यू टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा और एक्स अपनी जगह पर बी डिवाइडेड बाय ए, तो इससे ये टर्म आ जाएगा। सही है। और प्लस बी स्क्वायर, बी मेरे पास बी डिवाइडेड बाय टू ए है, तो बी डिवाइडेड बाय टू ए का मैं होल स्क्वायर लूँगा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए तो है, लेकिन ये इजाफी टर्म को मैं यहाँ पर भी ऐड करूँगा, तो ये हो जाएगा बी डिवाइडेड बाय टू ए होल स्क्वायर। सही है दोस्तों। अच्छा, ये मेरे पास फार्मूला बन गया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा एक्स और बी, ए की जगह एक्स है और बी की जगह प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए है। सही है। होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पर जब स्क्वायर में लूँगा तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाई ए। सही है दोस्तों। अच्छा, इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से मैं एलसीएम फोर ए स्क्वायर लूँगा, तो यहाँ से बी स्क्वायर और फिर माइनस अपनी जगह पर और फोर ए को जब इधर में मल्टीप्लाई करूँ तो ए ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर ए सी। सही है दोस्तों। और यहाँ से x प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए होल स्क्वायर। अब मैं स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए अंडर रूट लूँगा, तो यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर भी अंडर रूट और यहाँ पर अंडर रूट के साथ प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल पर स्क्वायर है। सही है दोस्तों। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो इससे आ जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई फोर ए स्क्वायर। सही है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से अगर ये फोर ए, ये जो अंडर रूट है ये नामिनेटर पर भी है डिनोमिनेटर पर भी है, ये जो फोर ए स्क्वायर है फोर ए स्क्वायर, ये जब अंडर रूट से बाहर निकलता है तो इससे टू ए बन जाएगा। तो एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए इस इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट सिर्फ ऊपर नामिनेटर पर रहेगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और नीचे फोर ए स्क्वायर से जब अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा तो ये टू ए बन जाएगा। सही है दोस्तों। अच्छा, अब ये जो टर्म है इसको मैंने उस साइड पर शिफ्ट करना है, लेकिन
एक दफ़ा मैं प्लस के साथ लिखूंगा और दूसरी दफ़ा मैं माइनस के साथ लिखूंगा, लेकिन फ़िलहाल ये इस तरह ही रहे। एक्स इज़ इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस, जब उस साइड पर चला जाएगा तो माइनस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, दोनों में कॉमन है तो इसका जब मैं एलसीएम लूँगा तो वो मेरे पास 2a आ जाएगा, सही है। और माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, सही है दोस्तों। अच्छा, अब ये जो फार्मूला है ये हमारे साथ क्या हो गया, प्रूफ हो गया, सही है दोस्तों। ये जो फार्मूला है ये मैंने प्रूफ कर लिया, सही है दोस्तों। तो इस वीडियो में यहाँ तक काफ़ी था, आगे हम इस फार्मूला पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।